दिल्ली में एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर आज साकेत में खुल गया। इस मौके पर एप्पल के सीईओ टिम कुक भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में एप्पल के चाहने वाले भी वहां मौजूद थे। दिल्ली में एप्पल का स्टोर सिलेक्ट सिटी वॉक में खुला है। इसमें 18 राज्यों के 70 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो 15 से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। परिमल कुमार वहां मौजूद थे, उनकी ये रिपोर्ट। भारत में एप्पल का दूसरा स्टोर साकेत में खुल गया, दिल्ली के साकेत में जो मॉल है सेलेक्ट सिटी वॉक उसमें। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्रेज है एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेकर। जो एप्पल वही कंपनी है जो आईफोन बनाती है, आईमैक बनाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये लोग जो हैं जो कतार में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लंबे इंतज़ार के बाद जो है इनकी बारी आ रही है जब ये स्टोर में दाखिल हो पा रहे हैं। और यहाँ पर 10 बजे इस स्टोर का उद्घाटन हो गया। इससे पहले हमने देखा कि 18 अप्रैल को मुंबई में एप्पल का पहला स्टोर खुला था, ये दूसरा स्टोर है। एप्पल के सीईओ टिम कुक यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो उत्साह था, जो कर्मचारी थे उनके बीच में एक उत्साह दिख रहा था, जो लोग थे उनके बीच में वो आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। जब वो उनके पास पहुँच रहे थे, स्टोर के भीतर पहुँच रहे, तो उसमें वो सेल्फी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो तमाम चीज़ें चल रही हैं। और जिस तरीके से टिम कुक ने मुंबई में लोगों का स्वागत किया था, कस्टमर्स का स्वागत किया था, वैसा ही स्वागत यहाँ पर दिल्ली के साकेत में लोगों का वो करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे प्रोडक्ट पे उनके ऑटोग्राफ की बात हो या उनके साथ सेल्फी की बात हो या ये जो बैग है उस पे ऑटोग्राफ की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही है। और ये गैदरिंग आपको नज़र आ रहा होगा नीचे से लेकर तमाम ऊपर तक, आप देखिए कि किस तरीके की गैदरिंग है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर स्टोर खुलने का मतलब सीधे तौर पे ये है कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो सीधे इस स्टोर पे भी मौजूद होगा, मुंबई में जो स्टोर है भारत में वहाँ पर भी मौजूद होगा। प्रोडक्ट पहले भी मिल रहे थे लेकिन इंतजार करना पड़ता था नए प्रोडक्ट को लेकर, अब ऑफिशियल स्टोर्स के बाद वो आसानी हो जाएगी कि किसी भी लॉन्चिंग के वक्त में वो आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। जो मार्केट शेयर की बात है, जो जानकारी है उसके मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में जो एप्पल का बाजार था भारत में वो 6 अरब डॉलर का था, उससे पहले 4 अरब डॉलर का था। यानी लगातार 4 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और लगातार ये बाज़ार बड़ा हो रहा है। और उसी बाज़ार को देखते हुए यहाँ पर एक तरीके से निवेश किया गया। इससे पहले टिम कुक यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने कल मुलाकात की है, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले। और इंतजार यहाँ पर देखिए, क्रेज़ आपको सीधे तौर पर नज़र आ रहा है, लोग लंबे समय से यहाँ पर खड़े हैं। सुबह से हमने देखा कि कुछ लोग सुबह 6 बजे थे, शाम के 7 बजे से भी यहाँ पर मौजूद थे। और ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से क्रेज है। कितने बजे यहाँ पे पहुँचना हुआ आपका? हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें ये जानकारी। हम यहाँ पहुँच गए हैं करीब 10 बजे। अच्छा। और टिम कुक को देखने आए हैं और एप्पल स्टोर को। सो मैं और मेरा कॉलीग शार्दुल हम दोनों आए हैं। और हम लोग कितनी दूर से आए? हम लोग करीब 30 किलोमीटर दूर से आए हैं। और हम लोग ऑलरेडी रिटेल सॉल्यूशंस में काम करते हैं, तो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि रिटेल में क्या नया हो रहा है जी। और अगर एप्पल जैसी अमेरिकन कंपनी यहाँ पे आके खोल रही है तो क्यों नहीं हम देखना चाहेंगे। आप कब आए यहाँ? मैम, हम लोग आए थे 8:30 अप्रॉक्सीमेटली, अभी बज रहे हैं 10:30, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग तो बहुत लंबे समय से भी। हाँ जी, हाँ जी, हम एक्चुअली लेट हो गए निकलने के लिए थोड़े से घर से, इसलिए 25 साल से वेट कर रहे हैं।